Hi guys, welcome to DP Mathematics. आज पढ़ेंगे हम लोग फ्रैक्शन को आरोही और अवरोही क्रम में सजाने की रूल। आरोही, तो दोस्तों पहले जान लेते हैं आरोही का मतलब। आरोही मतलब छोटा से बड़ा। एक, तीन, पाँच, सात, ऐसे छोटा से बड़ा, छोटा। अब रही मतलब बड़ा से छोटा। इसी को उल्टा देते हैं, सात पाँच तीन एक, ये साइन होता है। इधर मुँह खुला हुआ, बड़ा का छोटा। तो देख लेते हैं रूल। पहले देखते हैं भाग विधि। फ्रैक्शन है, एग्जाम्पल ले लेंगे फ्रैक्शन का, दो बटे तीन, तीन बटे दो, एक बटे पाँच। तीन को ले लिए, तीन को फ्रैक्शन का भाग विधि से आरोही क्रम में सजाएंगे। सिंपल है भाग विधि, सबको अलग अलग भाग कर देंगे। कितना होता है, दो को तीन से भाग करेंगे, पहले जीरो पॉइंट लगा दिए, एगो एगो जीरो ला लिए, तीन छक्के 18, दो फिर छ, छ हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1.5, इसका हो जाएगा 0.2। अब देखना होगा कौन सबसे छोटा है आरोही क्रम में। सबसे छोटा है आरोही क्रम में लिखने पर सबसे छोटा 0.2, 0.66, उसके बाद आएगा 1.5, मतलब 1/5, 2/3, 3/2। इसी को उल्टा देंगे, अवरोही हो जाएगा। अब समहर विधि। समहर मतलब हर को समान करना होगा, हर को समान करना होगा। पाँच तीन दो हर है, इसका लघुत्तम होता है 30। सब के आगे 30 लिख लेंगे, हर को 30 लिख लेंगे। अब इससे 30 बनाने में 10 गुना, तो इसको भी 10 गुना करेंगे, 20 हो गया। इसको 15 गुना 3, 15 45, इसको 6 गुना 6। अब देखेंगे नीचे है कौन, आदमी, ऊपर पैसा। जिसके पास ज़्यादा पैसा, आदमी तो हो गया बराबर, आदमी बराबर है, जिसके पास ज़्यादा पैसा है वही बड़ा होगा। सबसे बड़ा है ये, जिसके पास कम पैसा है वो कम हो जाएगा। 6/1/5 सबसे छोटा, उसके बाद हो गया 2/3, उसके बाद हो गया 3/2। गुना विधि को देखने के लिए अगले वीडियो का इंतज़ार करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।